हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल गैराज। तो आज अपने पास हीरो स्प्लेंडर आई है। इसका जो पीछे का नंबर प्लेट होता है वो उसका पट्टी सड़ के टूट चुका है। तो ये जो नया पट्टी आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये हमारे पास अवेलेबल होता है, रेडीमेड भी होता है। अगर किसको बनाकर चाहिए तो बनाकर भी मिलता है। तो अभी आप देखिए कि इसको कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, वेल्डिंग करते हैं उसको, वहाँ पे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करने वाले हैं। तो आप देखिए स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर हमने नट बोल्ट निकाल लिए, अच्छे हैं इसके लिए हमने निकाल लिए, नहीं तो फिर ग्राइंडर से कट करना पड़ता अगर नट बोल्ट सड़ गए रहते तो, और नए नट बोल्ट लगाने पड़ते। तो अभी हम पहले जो जूना पट्टी है जो सड़ चुका है उसको हम कॉर्नर से अच्छे से कट कर लेंगे, शेप में लाएंगे, और उसके बाद जो ये ब्लैक पट्टी है यहाँ पे हम ऐसा वेल्डिंग कर देंगे। ये नट इसको खोलते नहीं, डायरेक्ट पूरा हार पर रहता है ना, इसके लिए ऐसा लगाना पड़ता है। पकड़ूंगा मैं, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी वेल्डिंग मार के अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम इसके बाद यहाँ पे नंबर प्लेट फिक्स कर देंगे, मतलब नट बोल्ट अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो हमारा जो नंबर प्लेट है वो अच्छे से लग चुका है, हमारा काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऑटोमोबाइल गैराज को। थैंक यू।